ड्रिप मार रहा था, था ट्रिप मार रहा आपको था जी। समझाया था थोड़ा सा, ड्रिप मार रहा था तो इन्होंने 2 दिन मेरी गाड़ी अपने पास रखी और इन्होंने पूरी वायरिंग खोल दी उसकी, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग होती है सब कुछ चेक कर लिया। इनको फॉल्ट जो भी मिला होगा इन्होंने मुझे संडे को हैंड ओवर कर दी गाड़ी, सैटरडे की शाम को हैंड ओवर कर दी, फ्राइडे पूरे दिन रख के और सैटरडे मॉर्निंग में पूरे दिन काम करने के बाद इन्होंने कहा सर आपकी गाड़ी परफेक्ट हो गई है और आप ले जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है। सैटरडे को मैं लेके गया, मैं विद इन हाफ किलोमीटर चलाऊंगा गाड़ी 3 से 4 बार ड्रिप मार गई। मैंने दोबारा से कंप्लेंट करी, मैंने कहा भैया ये तो ड्रिप मार रही है। कह रहे सर हमने तो पूरी वायरिंग खोल के चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया, कुछ भी फॉल्ट नहीं आया, सब कुछ परफेक्ट कर लिया। अच्छा इसमें एक डिस्प्यूट ये भी था कि इन्होंने कहा था कि सर गाड़ी चेक करने से पहले, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम चेक करेंगे तो उसमें हम 1200 रुपीज़ का आपको चार्ज पे करेंगे, तो आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ चेक करने के लिए। हाँ सिर्फ चेक क्या, हम टच भी गाड़ी तभी करेंगे आपको, जब हम 1200 रुपीज़ मिनिमम चार्ज हमारा है ही, चेक तो बहुत दूर की बात है, हम टच भी अगर गाड़ी जॉब कार्ड भी खुलेगा तो आपको 1200 रुपीज़ का चार्ज पे करना पड़ेगा। ये मुझे कुछ इलॉजिकल लगा। मैंने कहा यार आप अभी गाड़ी को प्रॉब्लम नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मैं ऑथराइज सेंटर में आया हूँ होंडा के, ऐसा तो है नहीं मैं किसी रोड छाप बंदे के पास चला गया हूँ कि सर हमारी तो गाड़ी है नहीं, हमारी तो कंपनी का कोई मतलब नहीं है, हमसे तो कंपनी कुछ लेती देती नहीं है तो हम तो चार्ज पे करेंगे। मैंने कहा ऑथराइज सेंटर में आया हूँ यार और 1200 रुपये इज नॉट अ चार्ज टच करने का। मैंने कहा बैटरी चेक कर लो आप मेरी, शायद मुझे लगता है बैटरी में दिक्कत है, सिर्फ बैटरी चेक करके मुझे बता दो। मैंने कहा सर कुछ भी चेक कराइए, 1200 रुपीज लगेंगे, बैटरी आप बाहर से भी चेक करा सकते हैं। ये उनका सजेशन था उनके जो भी एग्जीक्यूटिव था। ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ चलो खत्म हो गई। मैंने कहा चलो बाहर तो नहीं चेक कराऊंगा यार, वायरिंग का फॉल्ट है, अगर कोई बड़ा फॉल्ट आ गया तो बाहर गाड़ी खराब हो जाएगी। मैं चलो ठीक है आप चेक करो। तो चेक करने के बाद उन्होंने सैटरडे को मेरे को गाड़ी हैंड ओवर करी। गाड़ी हैंड ओवर करने के बाद जब मैं लेके गया तो गाड़ी में सेम प्रॉब्लम थी। अब मैंने दोबारा कंप्लेंट रात को लॉन्च कराई थी, शायद सैटरडे की नाइट को। जी ठीक है मैंने कंप्लेंट लॉन्च कराई कि सर आपकी यहाँ की सर्विस मुझे इतनी अच्छी मिली है कि गाड़ी खराब होने के बाद फिर से खराब है, वो सही होने के बाद आपके अप्रूवल के बाद कि ये गाड़ी सही है। कह रहे हमने 35 किलोमीटर की ट्रायल ली है जबकि गाड़ी टोटल 14 किलोमीटर चली थी। 35 किलोमीटर की ट्रायल ली है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने कहा भैया 35 किलोमीटर तो गाड़ी नहीं चली मेरी। अगले दिन संडे को मैं दोबारा लेके गया गाड़ी अर्ली मॉर्निंग। संडे को मैंने फिर कंप्लेंट लॉन्च कराई कि इनकी सर्विस इतनी खराब है कि मैं 10 बजे से गाड़ी लेके आया हुआ था और 11:30-12 बजे तक गाड़ी को टच नहीं किया गया था। ठीक है अब उन्होंने बड़ी मुश्किल से जब मैंने कंप्लेंट लॉन्च कराई है, जब मैंने प्रेशर दिया टीम लीडर मैनेजर को थोड़ा कहा सुनी हुई, तो उन्होंने कहा चलो यार एक काम करो इसकी गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिकली चेक करनी पड़ेगी आपको। उन्होंने जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया, इलेक्ट्रॉनिक मीटर ने कहा बैटरी इज डैमेज, बैटरी लो है, बैटरी खत्म है, खत्म हो चुकी है आपकी। जी जी अब आप एक बात बताइए मुझे, फ्राइडे से ये प्रोसेस शुरू हुआ, सैटरडे तक ये प्रोसेस चला और फ्राइडे से लेकर जबकि एक आपको कहा गया था कि आप मीटर लगा के चेक करिए बैटरी खराब हो सकती है, एक बार बैटरी चेक कर लीजिए, तब जी सर अब बताइए सर क्या हो सकता है, मैं क्या करूँ, फिर दोबारा से ऑथराइज में कराऊँ या बाहर कराऊँ? सर मैं आपका कंप्लेंट एक बार फॉरवर्ड कर देता हूँ उस कॉल के बाद, उनसे कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ और जो भी आपको इशू आ रहा था और जो भी एक सर मैं आपको पहले तो मैं सबसे पहले 1200 रुपये की तो होंडा ने कहा मैं फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, मुझे पे करने पड़े। आप एक बात बताइए बैटरी को चेक करने के मेरे को 1200 रुपये पे करने पड़े। सेकंड प्रॉब्लम मैंने कहा कि सर मेरी 2 दिन से गाड़ी खड़ी है, उसके बाद भी उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, तब भी वही बात आई, फिर उन्होंने मशीन लगाई तो पता लगा बैटरी, मतलब मैं अगर वहाँ जा रहा हूँ तो सर्विस हो ही जाएगी, बट एक्शन के नाम पर कुछ मुझे भी तो सेटिस्फेक्शन हो। हाँ भाई होंडा की तरफ से मुझे ये बढ़िया बेनिफिट मिला कि मैंने होंडा में कंप्लेन करी तो मेरा ये काम लेवल पर हुआ कि अब सारी गाड़ी ही चेक करेंगे कि अगली बार प्रॉब्लम होने ही नहीं देंगे ताकि कस्टमर अगली बार कंप्लेन ना करे एटलीस्ट 1 वीक। मैं तो 1 वीक के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि मशीन की चीज़ है तभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप अगर अपनी तरफ से बेस्ट करके देंगे हर चीज़ चेक करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो सकता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते ना आए, क्योंकि अगर आने वाली होगी 1-2 हफ्ते में तो सर पहले ही पता लग जाएगा चेकअप में कि भाई ये दिक्कत आ सकती है। सर जो एक बार मैं आपको अपडेट बताना चाहूँगा, जो डीलर का अपडेट था वो 10 मई का है, उसमें ये मेंशन है कि कस्टमर व्हीकल ड्राइव डिलीवर टू द कस्टमर, आपको डिलीवर कर दिया और आफ्टर चेकिंग द स्टीरियो नॉट वर्किंग बैटरी नीड्स टू रिप्लेस बट कस्टमर रिफ्यूज, तो इसमें तो मेंशन ऐसा है कि आपने बैटरी उनसे नहीं लगवाई क्योंकि उनकी बैटरी 6000 रुपए की थी और मार्केट में वो बैटरी 2500 रुपए की अवेलेबल है ऑथराइज डीलर से। तो आपने लोकल वर्कशॉप से आउटसाइड के ऑथराइज शोरूम से लिया सर?
जी मतलब डीलर से आपने मना कर डीलर से ऑब्वियसली मना दिया कर दूंगा। तो 6,000 की बैटरी का तो एमआरपी भी नहीं आ रहा उस पर, 6,000 का 6600 मतलब 6100 रुपए का एमआरपी है, उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगा रहे हैं, जबकि एमआरपी का मतलब सर्विस टैक्स कंप्लीटेड होता है। कौन लेगा ऐसे चीज को? ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, जो भी असुविधा हुई आपको मैं एक बार कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ सर इस कॉल के बाद, उनको बता देता हूँ खुद कॉल करके जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और ये जो इशू जी मैं वही कह रहा हूँ, नाइट के लिए तो डिपर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है, दोनों ही बंद हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इस कॉल के बाद उनको ये मेंशन कर देता हूँ ये बात, क्योंकि अब डिपर का इशू आप स्टार्ट हो गया गाड़ी में, राइट? ओके सर, तो वायरिंग में फिर से कुछ फॉल्ट हुआ होगा या वायरिंग निकालने में, या जो भी रहा होगा वायरिंग का ही रिलेटेड लग रहा है मुझे तो। कांटेक्ट नंबर सर सेम रहेगा 9711004176। ठीक है सर, मैं बात कर लेता हूँ आपको। इंटीरियर लाइट्स और एक जो लाइट है जो दरवाजा खोलने पे जलती है, वो भी कभी कभी बंद हो जाती है, कभी कभी जलती है, मतलब कभी कभी वाला सीन है दोनों का ही, मतलब प्रॉब्लम आ रही लाइट्स में, इंटीरियर लाइट्स और डिपर लाइट्स। ठीक है सर, मैं मेंशन कर देता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ इस कॉल के बाद और वो आपको रिवर्ट कर देंगे जल्द से जल्द, 24 घंटे के अंदर। ओके, 1 to 1 में कॉल करने के लिए धन्यवाद।